Welcome to my YouTube channel Politics in World. In this video, we will try to understand state and non-state actors in international relations. So let us start. इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से एक्टर्स इंगेज हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्टर्स जो टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी एंटिटी जो इंटरनेशनल रिलेशंस में पार्टिसिपेट करता है या इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रमोट करता है, उसे हम एक एक्टर के तौर पर देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंटरनेशनल रिलेशंस में दो तरह के एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रमोट भी करते हैं, स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। सो पहले हम स्टेट एक्टर्स के बारे में जानते हैं। व्हाट इज स्टेट और व्हाट इज अ स्टेट एक्टर, लाइक इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, अमेरिका एटसेट्रा, ऑल दीज आर स्टेट एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट है जिसके पास एक एरिया ऑफ टेरिटोरी और सोवरेनिटी, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट होती है। स्टेट इज अ पॉलिटिकल यूनिट, इट हैज सोवरेनिटी ओवर एन एरिया ऑफ टेरिटोरी एंड पीपल विद इन इट। एक स्टेट को इंटरनेशनल रिलेशंस में चार एलिमेंट्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट को तभी स्टेट कहा जा सकता है जिसके पास चार एलिमेंट्स हों। नंबर वन, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक अहम और बेसिक एलिमेंट है स्टेट के लिए। विदाउट पॉपुलेशन देयर कैन बी नो स्टेट। पॉपुलेशन कम हो या ज्यादा, बट पॉपुलेशन का होना एक स्टेट की आइडेंटिफिकेशन के लिए अहम है। इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत कम पॉपुलेशन वाले मुल्क भी हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाले मुल्क भी हैं। स्टेट में रहने वाले लोग सिटीजंस ऑफ दी स्टेट होते हैं। किसी भी स्टेट के लिए साइज ऑफ पॉपुलेशन पर कोई लिमिट नहीं होती। अलबत्ता ये जरूर कहा जाता है कि आबादी ना तो ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा कम, बट पॉपुलेशन को एक माकूल हद में होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट फॉर अ स्टेट इज टेरिटोरी। टेरिटोरी स्टेट का दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। स्टेट बेसिकली एक टेरिटोरियल यूनिट है। एक डिफाइंड टेरिटोरी स्टेट का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। टेरिटोरी के बगैर कोई भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। स्टेट इंक्लूड्स नॉट ओनली लैंड बट आल्सो रिवर्स, लेक्स, कैनल्स, इनलैंड सीज, ए पोर्शन ऑफ कोस्टल सी, टेरिटोरियल वाटर आर मैरीटाइम बेल्ट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, माउंटेन्स, हिल्स एंड ऑल अदर लैंड फीचर्स इन अलोंग विद द एयर स्पेस अबव द टेरिटरी आल्सो कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द स्टेट। मतलब कि एक स्टेट की डिफाइंड बाउंड्रीज के अंदर जो जो भी है वो सब स्टेट की प्रॉपर्टी है, चाहे एयर स्पेस हो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्टेट की एक एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट के लिए कानून, लॉज बनाती है, लॉज को इन्फोर्स और इम्प्लीमेंट भी करती है। इसलिए गवर्नमेंट टेरिटरी और पॉपुलेशन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का। एक स्टेट अपनी खुद मुख्तारी और यू कैन से सॉवरेन पावर का इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट के जरिए से। जब हम गवर्नमेंट कहते हैं तो इसका मतलब कोई मुल्क नहीं होता। समटाइम्स एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, बट आई वुड से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिर्फ एक एलिमेंट है स्टेट का। गवर्नमेंट इज नॉट अ स्टेट। गवर्नमेंट इज जस्ट एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट लाइक पॉपुलेशन, लाइक टेरिटरी। गवर्नमेंट एक वर्किंग एजेंसी है स्टेट के लिए, क्योंकि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू स्टेट एंड गवर्नमेंट यूजेस इट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट के तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। स्टेट में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस गवर्नमेंट होनी चाहिए। कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो ये इंपॉर्टेंट है स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। लास्ट वन इज सॉवरेंटी। सॉवरेंटी एक अहम और एक्सक्लूसिव एलिमेंट है स्टेट के लिए। सॉवरेंटी के बगैर कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जिस स्टेट के पास तीन एलिमेंट हो मगर सिर्फ सॉवरेंटी ना हो तो वो स्टेट नहीं हो सकती। सॉवरेंटी ही वो एक बेस है जिस पर स्टेट अपने इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स को रेगुलेट करती है। सॉवरेंटी हैज टू डायमेंशंस, इंटरनल सॉवरेंटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेंटी। इंटरनल सॉवरेंटी का मतलब है कि स्टेट को हक हासिल है कि वो तमाम लोगों की एक्टिविटीज को रेगुलेट करे जो उसकी हदूद यानी बाउंड्रीज के अंदर काम कर रहे हैं। न सिर्फ लोग बल्कि ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस और बाकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो स्टेट की हदूद में और स्टेट के लॉज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनको स्टेट अपने किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी पर पनिश भी कर सकती है। ये एक्सक्लूसिव राइट्स हैं स्टेट के। एक्सटर्नल
इंटरनल सॉवरेंटी का मतलब है कि एक्सटर्नल कंट्रोल से स्टेट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है. मींस एक्सटर्नल सॉवरेंटी मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. इसका ये भी मतलब है कि स्टेट को हक हासिल है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे और कम्युनिटी ऑफ नेशंस की तमाम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे अपनी कंप्लीट फ्रीडम के साथ. हर सॉवरेन स्टेट को अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली बनाने का न सिर्फ हक हासिल है बल्कि अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के बेसिस पर काम करने का भी हक हासिल है. इंटरनेशनल लॉ के जो भी रूल्स होते हैं वो स्टेट अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करती है बल्कि कोई भी ट्रीटी या एग्रीमेंट किसी दूसरी स्टेट के द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता. हर स्टेट इंटरनेशनल लॉ को वॉलेंटरीली एक्सेप्ट करती है. सो वी कैन से दैट सॉवरेंटी स्टैंड्स एक्सेप्टेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सक्लूसिव एलिमेंट ऑफ द स्टेट. ये स्टेट एक्टर्स के चार इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट्स हैं. चार तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में. नंबर वन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर थ्री मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड नंबर फोर इज सब स्टेट एक्टर्स. जिस तरह स्टेट एक इंपॉर्टेंट एक्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस में उसी तरह नॉन स्टेट एक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं. जिस तरह स्टेट का एक इंपॉर्टेंट रोल है इंटरनेशनल रिलेशंस में उसी तरह नॉन स्टेट एक्टर्स का भी रोल होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में. सो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को किसी पर्पस के लिए कायम किया जाता है. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप बाय देयर मेंबरशिप एंड बाय देयर पर्पस. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को आमतौर पर उनकी मेंबरशिप और मकसद के मुताबिक कायम किया जाता है. मिसाल के तौर पर यूनाइटेड नेशंस को एक मकसद के लिए कायम किया गया है. ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें तमाम कंट्रीज को मेंबरशिप की इजाजत है. यूनाइटेड नेशंस के मकसद जो है वो टू मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, फंक्शन एज ए सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस. इस तरह की ये जो फंक्शंस हैं इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव में यूनाइटेड नेशन परफॉर्म करता है. यूनाइटेड नेशन के बाद वर्ल्ड बैंक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा तस्लीम किया जाता है वर्ल्ड बैंक को. ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पॉवर्टी रिड्यूसिंग के लिए काम करता है. जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उन्हें वर्ल्ड बैंक लोन्स यानी कर्जे देता है. और बहुत सारे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल्स हैं जैसे नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ एट, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरपोल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, आसियन एटसेट्रा. ऑल दीज आर द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. नंबर टू इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज. एनजीओज बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उन पॉलिसीज को परस्यू करती है जो पब्लिक के लिए फायदामंद होती हैं. एनजीओज आर एंगेज्ड इन इश्यूज लाइक ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन एड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर एंड सो मेनी अदर थिंग्स. सम वेल नोन एनजीओज आर लाइक रेड क्रॉस, ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल एटसेट्रा. नंबर थर्ड इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को हम समझते हैं कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस किसे कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एक स्टेट में एस्टेब्लिश्ड होती है मगर उसके ब्रांचेस या फिर सब्सिडरीज दूसरे स्टेट्स में काम कर रही होती हैं. हम उसको यूं भी कह सकते हैं कि एमएनसी एक बड़ी कॉर्पोरेशन होती है जो एक ही वक्त में बहुत सारे मुल्कों में यानी वर्ल्ड वाइड काम कर रही होती है. किसी भी एमएनसी के पास बहुत सारे एम्प्लॉयज और फैसिलिटीज वगैरह होते हैं. एमएनसी के एग्जांपल्स एप्पल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, मैकडोनल्ड वगैरह हैं. एमएनसी कंट्रीब्यूट टू देयर होस्ट कंट्रीज डेवलपमेंट. एमएनसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में. नंबर फोर्थ इज टेररिस्ट आउटफिट. टेररिस्ट आउटफिट सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीजंस ऑफ नेशंस वर्ल्ड कम्युनिटीज के लिए एक थ्रेट के तौर पर काम करते हैं. जितने भी टेररिस्ट आउटफिट हैं वो भी नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर तस्लीम किए जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में. इंटरनेशनल रिलेशंस में खासकर टेररिस्ट आउटफिट अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्रीज के दरमियान. ये कंट्रीज के दरमियान जो रिलेशंस हैं उन्हें इम्पैक्ट करते हैं बल्कि स्टेट्स के जो दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशंस होते हैं उनमें टेररिस्ट आउटफिट के कुछ अपने मोटिव होते हैं. उन मोटिव्स को स्टेट्स के द्वारा फोर्सफुली या थ्रेट के जरिए से टेररिस्ट आउटफिट मनवाने की कोशिश करते हैं. समटाइम टेरर एक्ट भी वो कर लेते हैं अपने मोटिव्स को मनवाने के लिए. सो ओवरऑल टेररिस्ट ग्रुप्स आर यू कैन से आउटफिट आर आल्सो प्लेइंग देयर रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस. समटाइम ये स्पॉन्सर्ड होते हैं या फिर इनको स्टेट का सपोर्ट भी हासिल होता है.